देखते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था स्टोरी में, है ना, क्या था 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव, हाँ के चुनाव में के निर्वाचन मंडल में जो है कौन कौन से सदस्य शामिल थे या शामिल नहीं थे वाला क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो मैंने ऑप्शन दिया था उसमें, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के मनोनीत सदस्य, और ऑप्शन दिया था है ना केवल ए और बी, ए बी सी और ए बी सी डी। ओके, तो इसमें जो उत्तर होता है आपका ए बी सी, मतलब कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों, बट जो है इसमें लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लिए थे, क्योंकि मैं हमको पता है कि जो एक प्रावधान था ना, जो राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्य को मनोनीत करता था ना, आंग्ल भारतीय समुदाय के दो लोगों को, ओके, तो वो जो उस प्रावधान को जो है ना 104वें संविधान संशोधन ओके 2019 के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया है ना, और यह अधिनियम जो है 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ है ना, तब से जो है अब लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं है। ओके, तो उत्तर जो होगा आपका सी होगा, है ना, कौन कौन से, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ओके।